जवाब दिया, हमने ये सुना है कि तुम कहीं बिकने जा रहे हो, और तुम बिकने जा रहे हो तो फिर अब हम क्या करेंगे इस घर में, हम भी तुम्हारे ही साथ चलेंगे। तीनों प्राणी जब चले ही तो वेशभूषा क्या बन गई तीनों की। पुराने वस्त्र धारण करने के बाद चले, तारा की दासी ने देख लिया तो भाग के पास में चली आई, बहन कहां जा रही हो, तुम कहीं बिकने जा रही हो, तब हम भी तुम्हारे ही साथ में चलेंगे, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी इस घर में। दासी रोई, जवाब दिया, बहन तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। उसी समय तारा ने तसल्ली बंधाई, बहन अब हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार नहीं रहा तुम्हारे ऊपर कोई, अब तो ये ब्राह्मण तुम्हें जैसे रखे उस तरीका से रहना। और तब तक विश्वामित्र ने देख लिया, हरिश्चंद्र ऐसा लगता है तुम्हारी स्त्री रो रो करके हमें पिघलाना चाहती है, हमें भगाना चाहती है, लेकिन हम भागने वाले नहीं है, जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी चुपचाप बैठे रहेंगे, दक्षिणा मिल जाएगी फिर धीरे से निकल जाएंगे, फिर मतलब क्या है। हरिश्चंद्र बोले, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमें ये बताओ कि आप बेकने कहाँ चलोगे। उसी समय कहा है कि तुम्हें काशी में लेके चलेंगे, कहा चलो। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे हरिश्चंद्र, रोहितास, तारा, कहां तो जिस स्त्री ने घर से बाहर कदम नहीं दिया था आज पति के साथ में भाग रही है, भागते जा रहे हैं और फिर भी विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं, ऐसे कब तक पहुंचोगे हरिश्चंद्र बढ़े आ। जब नहीं चला गया है रोहिता से तो तारा कहने लगी है, भगवान मेरा जरा सा बच्चा है, थोड़ा आराम कर लो। अरे सैया मेरे बच्चे पर थोड़ा तरस खाओ, जरा सा बच्चा है, चल नहीं पा रहा है, थोड़ी देर कहीं ठहर जाओ। अरे
हरिश्चंद्र ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, तारा पागल हो गई है, पानी पीने की बात कर रही हो, विश्राम की बात कर रही हो, नादान मत बनो तारा। जब तक ब्राह्मण का ये कर्ज हमारे ऊपर है, पानी पीना बहुत बड़ी बात है, पानी की तरफ देखेंगे तक नहीं, थोड़ी तसल्ली रखो तारा। तारा थोड़ी तसल्ली रखो, ज्यादा नहीं, बहुत कम सीमा रह गई है मेरे शासन की, अभी थोड़ी देर के बाद में हमें कोई ना कोई खरीदेगा, और जो खरीदेगा जिंदा रखने के लिए पानी तो जरूर पिलाएगा। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा है कि रोहित आज से बिल्कुल नहीं चला गया, जमीन पे गिर गया, और जब जमीन पे गिरा है तो उसी समय विश्वामित्र ने देख लिया, आवाज लगाई, हरिश्चंद्र क्या हो गया, ये लड़का गिर कैसे गया, मर गया क्या? बोले मरा नहीं है, प्यास से व्याकुल होकर के जमीन पे गिर गया है। हाँ तो अभी प्यास से व्याकुल हुआ है, थोड़ी देर के बाद में ये मर जाएगा, मर जाएगा, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, नुकसान तो मेरा है, क्योंकि तीनों में से एक भी मर गया कौन देगा संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा, इसलिए हमारे कमंडल में जल है, ये ले जाओ पिला दो, जिंदा बना रहे, दक्षिणा मिल जाए बाद में मर जाए, कोई मतलब नहीं। हरिश्चंद्र ने कह दिया है, देखो ब्राह्मण देव, हम तो पानी नहीं पिलाएंगे, अगर रोहितास पिए तो तुम खुद जाकर के पूछो। कमंडल लेकर के रोहितास के पास पहुंच गए और जवाब दिया है, रोहितास देख लिया, तेरा पिता इतना निर्दयी है तो ये पानी नहीं पिला सकता, और तू उसके साथ में बिकने के लिए जा रहा है, ऐसा करो मेरे कमंडल में जल है, ये पानी पी लो। जो ये बात कही कि पानी पी लो, रोहितास कहने लगा, बाबा जी पानी नहीं पिएंगे हम, हाँ पानी नहीं पियोगे फिर क्या करोगे, थोड़ी देर में तुम मर जाओगे, अब मर जाओगे तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, नुकसान तो हमारा है, पानी नहीं पियेंगे, पानी पी लो। रोहितास ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा जी पानी नहीं पियेंगे हम। रोई की रोहित ने जवाब दो, आप तो ज्ञानी हैं।
नहीं पिएंगे तो जवाब दिया है उठो खड़े हो जाओ चलो, नहीं पानी पियोगे तो। रोहितास फिर उठ करके खड़े हो गए और जवाब दिया है मैया ये ब्राह्मण जो है इसके मन में जरा भी दया नहीं है, है? कितना और चलना है। तारा कहने लगी है लाला अब ज्यादा नहीं, थोड़ी देर और चलो। जाकर के फिर ये काशी में जब पहुंचे हैं तो एक चौराहे पे खड़ा कर लिया और विश्वामित्र ने आवाज लगाई काशी के लोगों आज हम तुम्हारे नगर में तीन प्राणियों को देखने के लिए लाए हैं, अगर कोई लेना चाहे तो आए हमारी बात को सुने, एक लेना चाहे 20 भार सोना, दो लेना चाहे 40 भार सोना और तीनों को ले जाए तो 60 भार सोना, उम्र में जरूर अंतर है कीमत में कोई अंतर नहीं है। जो ये बात कही, जब ये बात कही है तो उसी समय कोई नहीं आया खरीदने, आवाज लगा दी विश्वामित्र ने कि तीन प्राणी खड़े और आज बिकते यहां हर लेने वाले नया आए तो मैं क्या करूं। कोई नहीं आया, फिर विश्वामित्र ने तेज आवाज लगाई और आवाज लगाई, फिर बहुत लंबी भीड़ इकट्ठी हो गई देखने वालों की, खरीदने वाला कोई नहीं आया। और थोड़ी देर के बाद में जब खरीदने वाला कोई नहीं आया, थोड़ी देर के बाद में उसी भीड़ को चीरता हुआ महतर पहुंच गया आगे, कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हम बेच रहे हैं, सीधे चले आओ। आगे बड़े जवाब दिया इस नौजवान पुरुष की क्या कीमत है? बोले 20 भार सोना। और इस बच्चे की 20 भार सोना। और इस स्त्री की क्या कीमत है? बोले उम्र में अंतर है कीमत में कोई अंतर नहीं है, एक लेना चाहो तो 20 भार सोना और तीनों को ले जाओ तो 60 भार सोना। बस मैतर कहने लगा है कि इस स्त्री का और बच्चे का हम क्या करेंगे, हम तो इस नौजवान पुरुष को खरीद लेंगे, लेकिन खरीदेंगे तब जब ये हमारे यहां हमारा घटिया का काम करे तो, वैसे नहीं। जवाब दिया है कि ऐसा करो 20 भार सोना लेके आओ और ले जाओ, फिर बाद में मरघटिया का काम करवाओ चाहे वो बटरवाओ, मतलब क्या है, दक्षिणा लेके आओ। हरिश्चंद्र ने जब बेहतर के शब्द सुने हैं तो आगे बड़े दोनों हाथ जोड़े, भैया
आप ऐसा करो हमें खरीद लो, घर पे अगर कोई मर घटिया से घटिया काम हो वो मुझे दे देना, मैं उसे करता रहूंगा। क्या था समय, तू बन गई मर घटिया से, घटिया भी काम दे दीजे। महाराज इस ब्राह्मण के मोई ऋण से ऋण कर दीजे। जवाब दिया है भगवान आप रो नहीं, अरे तुम्हें ये नहीं पता है ये समय का खेल है, प्राणी को कब कहां पहुंचा दे ये जानता कोई नहीं है। आज कल तक तुम राजा थे, आज मेहतर के हाथ बिक रहे हो, तो क्या हो गया, समय एक सा नहीं रहता है, रो नहीं। लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगी, पहले आप हमें देखो, क्योंकि अगर आप ही पहले बिक गए तो मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए पहले आप हमें बेको बाद में खुद बिकना। तो मेहतर से फिर दोनों हाथ जोड़े, भैया पहले हम अपनी पत्नी को बेच लें, पुत्र को बेच लें, बाद में आप हमें खरीद लेना। एक ब्राह्मण देव आए हैं, उन्होंने रोहितास और तारा को खरीद लिया। 20 भार सोना ब्राह्मण ने दिया है, 20 भार सोना मेहतर ने दिया है, 40 भार सोना ब्राह्मण ने दिया है। कीमत जब चुका दी गई तो मेहतर की तरफ रोहितास और तारा खड़ी हो गई। नतीजा यह हुआ है, तारा को लेकर के जब ब्राह्मण चला और उसी समय हरिश्चंद्र मेहतर के साथ में चले हैं, थोड़ी दूर